गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ग्रीक नोट रिएजेंट एज अ बेस ना, तो जी आर एज ए बेस, और आई थिंक ये कंप्लीट हो गया था जी आर एज अ बेस। तो आज हम दूसरी बात करने जा रहे हैं जी आर एज अ न्यूक्लियोफाइल। एन यू लिखूंगा, ठीक है, सीधे एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देगा, बात कर चुके हम लोग, बेस है। तो अगर बेस को इसको एसिड मिल गया तो सबसे पहले मैं अभी ऑर्डर लिखाऊंगा आपको, उसका भी एक ट्रिक है वो बताता हूँ मैं आपको। लास्ट वाला ट्रिक क्या था बताना जरा सा, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाला ट्रिक था। लो मैम कुछ जानो कह दो होगा, ठीक है, वो हो गया था। अभी एक और बात करेंगे। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो देखो ये बहुत सारे कंपाउंड अब यहाँ पे आने वाले हैं, समझते जाना। रिएक्शंस जो है कुछ नहीं रिएक्शंस में रखा हुआ है, तो अगर आप सही से सिंसियरली करोगे तो हम लोग बहुत जल्दी इस पार्ट को निपटाने वाले हैं, ठीक है। आप प्रिपरेशन में बहुत अच्छी चीजें हम लोगों ने सीखी थी कि कहीं कहीं पर ग्रीक नोट रिएजेंट बन ही नहीं पा रहा था, हम बनाने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं बन पा रहा था। और प्रिपरेशन में हम लोगों ने फ्री रेडिकल प्रपोज्ड मैकेनिज्म का यूज किया था, याद करो। और रिएक्शन में जो हम लोग आयनिक मैकेनिज्म का जो प्रपोज था वो यूज करना है, एज ए कार्बन आयन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या होने वाला है एज ए न्यूक्लियोफाइल। एक सिंपल किस्सा केस लेने जा रहा हूं मैं एग्जांपल के थ्रू ही। न्यूक्लियोफाइल की बात करें अगर, तो मैं कोई भी अगर एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लूं, कौन सा कंपाउंड बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा, रखिए आप समझते चले जाओ क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक बार समझना होगा और बहुत आसान है, फिर आपको सारे चैप्टर्स में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं हर जगह यूज होगा इसका। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जब हम ग्रीक नोट रिएजेंट की बात करते हैं तो इसको इसका नाम ही हम लोगों ने क्या दिया था, दिस इज कॉल्ड मास्टर कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर कंपाउंड। बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है ये, किसी के साथ भी रिएक्शंस का हो सकता है ना। और दूसरा लिथियम हाइड्राइड के बाद, सॉरी लिथियम के बाद मैग्नीशियम का नंबर आता था, जहां पे आरएमजीएक्स की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, किसकी बात करते हैं, आरएमजीएक्स। तो बहुत अच्छा रिएक्टिव भी है ये, मेटालिक कैरेक्टर बहुत अच्छा है सर। चलो कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें तो इसका मैकेनिज्म जरा देखो क्या होने वाला है। सपोज हमने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमें कराना है आर RMGX के साथ कराना है। सपोज ये R1 है, अब बताओ ये प्लस है और ये माइनस, तो कोई भी कंपाउंड देखने से पहले सबसे पहले आप ये देख लो कि इसके अंदर कहीं एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं है, क्या है, है एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन मैं याद दिलाता हूं, एक्टिव हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन विद फोन, हाइड्रोजन विद सल्फर क्लोरीन, हाइड्रोजन विद एरोमेटिक, हाइड्रोजन विद एरोमेटिक एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप में दो सीओ के बीच वाला हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी केस यहाँ पर नहीं है, क्लियर है। तो इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं, जब एसिड बेस पॉसिबल नहीं होगा तभी हम बात करेंगे किसकी। तो ये बेटा आइडेंटिफाई करना एकदम क्लियरली समझना है आपको, ओके। तब होगा क्या बेटा, एक चीज बताओ, अब ये आर माइनस है, सुनना मैकेनिज्म क्या है इसका, बहुत सिंपल मैकेनिज्म में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब बताओ ये सी और ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब ये आर माइनस आपको पता है बेटा यहाँ पोलैरिटी डेवलप क्या होता है अटैक में, ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो बेटा इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, इस पर पार्शियल, तो आर माइनस कहाँ पे जाके चिपकेगा, जहाँ प्लस है भाई, ये माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पर प्लस है। अब बताओ इसमें किस कंपाउंड में प्लस चार्ज के डेवलप होने के चांसेस कहाँ पर हैं, सी पे हैं, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगा, जैसे इस पर प्लस आएगा तुरंत ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा। और पता यहीं से इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ग्रीक नोट रिएजेंट की बात कर सकते हैं। आपसे एक बात पूछूं, यहीं पे पूछ लेता हूँ, अच्छी चीज बताओ यहाँ बेटा प्लस चार्ज डेवलप हुआ, अगर उसके अमाउंट ज्यादा है तो ये जल्दी अटैक करेगा, अगर कम प्लस है तो कम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, आर एम जी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ दिस कार्बन। इसके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा कमी होगी इसका रिएक्टिविटी इसके प्रति उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है भाई, जितना प्लस चार्ज है उतनी आसानी इसको खींच लेगा, अटैक कर जाएगा, उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगा। अब जरा सा प्लस इतना सा है तो बोले क्या है, छोड़ो ना, अब इसके बाद दूसरा प्लस है तुरंत आगे चिपक जाएगा यहाँ पे। तो जितना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इसका अटैक करने का चांसेस भी उतना ही ज्यादा। भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब माइनस चार्ज ना, या लोन पेयर, तो माइनस लोन पेयर कहाँ पे जाना चाहता है, जहां पर प्लस हो, और जहां पर ज्यादा प्लस होगा ज्यादा जाएगा, तो कंपाउंड का रिएक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब एक चीज लिख दें, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स
इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, बोलो बेटा, एट कार्बन ऑफ, यस, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मैं आपको ऐसा 4-5 एग्जांपल अगर दे दूं और पूछूं, बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ग्रिग्नोट्री एजेंट क्या होगा, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रिग्नोट्री एजेंट इस तरह। चलो थोड़ा मैकेनिज्म की बाद में करते हैं, पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, रिएक्टिविटी की ही बात कर लेते हैं। मैंने एग्जांपल बेटा पहले ये लिया, राइट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, पहले एग्जांपल देखना जरा सा, बताना बेटा है, देखना एच सी वॉच ए, पहला मा ए ये है, बी सी एच थ्री सी ओ एच सी सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, बोलो बेटा तीस ये है सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री, डन है ना। चलो पहले इन चार की बात करें बेटा, फिर रखो मैं समझाता जाऊँ आपको, आप बहुत अच्छे समझते चले जाओ, आप मतलब कहीं पर भी अब बस एंजॉय करो बने करके, मतलब केमिस्ट्री में अब फाइनली जो हमें जो हमारा एक माइलस्टोन था ना वो पार हो चुका है, ठीक है। अब बताओ मुझे बेटा, हम इस कार्बन पे फोकस कर लो बस, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा, इसमें एक और चाहो तो लिख लो ऐसे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एट कार्बन ऑफ तो आई थिंक ये ज्यादा काम आएगा आपके, ये देखना कि भाई हमें क्या देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना, आर माइनस है, आप न्यूक्लियोफाइल का, आर माइनस बेटा यहां पे किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। सुनो अब जरा ध्यान से चेक करते हैं, आप देखते जाना बेटा फटाफट, यहां पे तो छोड़ दो इसको, क्या ये प्लस आई है, सुना क्या ये प्लस आई है, ये प्लस आई है, और चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम है, और एक लिख दूं तो और मजा आ जाएगी, सी एस थ्री सी ओ सी एल, और आपको पता है बेटा कि जो हैलोजन्स होते हैं वो माइनस आई डोमिनेटिंग होते हैं, हालांकि लोन पेयर है इसके पास, बट हम उसकी बात तो मान, तो इसको हम क्या लिखें, सीधे सीधे माइनस आई और इधर प्लस आई, वो प्लस आई प्लस आई सब में कॉमन, इसको पहले वाले को हटा देंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी हमें, ए और ये बी, ये है सी और बेटा ये है डी। आप जरा ध्यान दो सब लोग, बेटा बिल्कुल बात नहीं है ना, एकदम सिंसियरली बहुत अच्छे से करो, मजा आएगी, सी एस सी सब में कॉमन है, भूल जाओ, जहां से डिफरेंस आ रहा है वहां से देखते हैं। तो बेटा बताओ ये प्लस है, प्लस आई है, तो बताओ इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, अच्छा यहाँ पे चाहो तो आप पार्शियल प्लस भी लिख डालो सबने, पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस, अब सोच, अब देखने जरा सा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट एक चीज और भी लिख दूंगा यहाँ पे, बट इसके बाद लिखूंगा, जरा बताओ मुझे बेटा ये सी एस थ्री भूल जाए, क्यों भूल जाए बताओ जरा सा, सब में कॉमन है, अब जरा बताना बेटा ये सी एस थ्री को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बताओ ये प्लस चार्ज ये बढ़ेगा कि घटेगा, घट गया, जबकि हमें क्या करना था, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेगा आर माइनस बाहर से आके उतना ही जल्दी अटैक करेगा, तो यहां पर तो प्लस चार्ज कम हो रहा है, मतलब इसका रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है, ये वाला प्लस चार्ज बढ़ना चाहिए, और ये तो प्लस एम है भाई, ये तो खतरनाक काम कर रहा है, ये तो इसको बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है, घटा रहा है, इतना समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बेटा क्या करेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं, मैं फिर से एक बार पढ़ लूं क्या है ये, बेसिकली जीओसी, सब कुछ हर चीज में वही सब, इसलिए मैंने टाइम भी लिया उसमें, इसलिए अब दिक्कत कहीं पर भी, और इसलिए मैंने आपको कल कसम भी दी थी कि आप को ये करना अगर है तो आगे देखो, और आगे वाले टाइम में
आप और भी कितना मजा आने वाला है, क्योंकि एक बार आपने जियो साहब मेरे को एकदम माइंड में सेट कर लिया ना सही से, तो फिर देखो। चलो मेरे बताओ, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जा रहा है, तो इससे प्लस चार्ज बढ़ेगा ये घटेगा बताओ, राकेश बोलो बढ़ेगा, और अगर प्लस चार्ज बढ़ा तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस चार्ज बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ता है। अब बताओ इन सब में किसका सबसे ज्यादा है, डी, इसका कम इसका कम, इसका तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये कौन सा नंबर पे आ गया, नहीं इसका, इसमें देखो इसमें बढ़ रहा थी पहले आ गया, इसमें घट रहा है, इसमें घट रहा है तो बाद में गए, तो ये ऑब्वियसली अपने आप यहां आ जाएगा ए, उसके बाद किसका नंबर आएगा बताना जरा, इन दोनों में से सबसे लास्ट में कौन जाएगा, सी, और बेटा उससे पहले कौन आएगा, बी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बहुत सारे दे दूं, कर लोगे आराम से आप, नहीं हो जाएगा बताओ, तो इसका मतलब बेटा क्या हम इसको एक और फिर से लिखें एक बार, कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड्स ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ बेटा प्लस वाले बढ़ाएंगे या माइनस वाले, प्लस वाले तो घटाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई या फिर क्या माइनस, ये ग्रुप जो यहां पे लगे होंगे ये उसकी स्टेबिलिटी को रिएक्टिविटी को सॉरी स्टेबिलिटी नहीं क्या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स जीआर वो क्या कर देंगे उसको बढ़ा देंगे। अच्छा अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पता है सेम कॉन्सेप्ट अल्डिहाइड कीटोन और आपके साथ उसके बाद एसिड अमाइड हर जगह ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है आगे के रिएक्शन उसमें जो मैं आपको डिफिशियंसी ऑफ चार्ज की बात कर, हर जगह वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहीं पे समझ लो, क्योंकि वहां पर भी न्यूक्लियर यहां पे न्यूक्लियर फाइल आर माइनस है, वहां पर न्यूक्लियर फाइल कोई और होगा, और न्यूक्लियर फाइल होगा तो न्यूक्लियर फाइल जो भी होगा उसके लिए सेम सेम कंडीशन होगी सेम सिचुएशन होगी। ओके तो बेटा एक चीज बताओ जरा, अच्छा जरा नाम लिया जाए, ये है एल्डिहाइड, ये है एसीटोन, ये है ईस्टर और ये एसिड क्लोराइड जिसको हम एसिड हैलाइड बोलेंगे, एसिड हैलाइड, इन सब में कौन सबसे ज्यादा था, एसिड हैलाइड, उसके बाद किसका नंबर आया जरा देखो, एल्डिहाइड की, फिर किसका नंबर आया, फिर ईस्टर। तो एक काम करते हैं रुको, कुछ जो है ऑर्डर है वो हम इसको लिखते हैं ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इस बार बेंजो की सर, अब रुक जाओ अब रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट दिस ट्रिक, दिस ट्रिक इज जहां पर भी लंबे लंबे नंबर्स आएंगे कुछ तरह के हर जगह आपको ट्रिक मिलेगी, बस एक बार सही से मेहनत तो करो। क्या है बताओ, ए हेलो एनहाइडल, ए हेलो एनहाइडल, इसी लगाओ बेंजो की ईसा आई बेंजो गाली, अरे यार बेंजो है कुछ भी मतलब है, अब ऐसा शुभम बोले तो बात अलग है ना, क्योंकि ईसा किसकी थी, शुभम की थी, तो वो बोल सकता है कुछ और है ना, किसी और के लिए है ना, चूंकि किसी और के पास चली गई है वो, तो क्या है बताओ, ए हेलो एनहाइडल, एसी लगाओ बेंजो की बेंजो बेंजो की ईसा आई है, मैं तेज बोल रहा हूँ है ना, इसलिए बातों पर जाना कि क्या है ना, बात को थोड़ा सा मत घुमाना इधर उधर, ए हेलो ए हेलो ए हेलो एसिड हैलाइड, यस सी एच थ्री सी ओ जैसे सी एल लिए थे एक्स ले लो यहाँ पे आप, एनहाइडल तो एन हाई से एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड तुरंत याद होगा, एनहाइड्राइड बेटा क्या होता है CH3COO, बोलो बताओ बेटा, एनहाइड्राइड है नहीं ये ईस्टर है, एनहाइड्राइड क्या होता है
सी, फिर ओ होता है ना यहाँ पे, फिर सी ओ होता है, और फिर आर लिखो ना यहाँ पे आर, और यहाँ पे आर या आर डैश जनरल फॉर्म ये है ना एनहाइड्राइड। रुक जा बेटा एक बार देख लो, अब नोट कर लेना, जल्दी जल्दी नोट कर लेना, बट एक बार समझते चलेगा। ये हो गया ए हेलो एनहाइडल डल अल अल्डिहाइड, क्या है बताओ अल्डिहाइड। अरे मैं आप अब आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, चाहो तो आप लगा के देख लेना यही सीक्वेंस आएगा। बट क्या है ना कि टाइम बचाना है ना, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत टिक मार दोगे। एल्डिहाइड क्या हो गया बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अभी कुछ मैच कर जाएंगे ऐसे देखो ना जो मैंने, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल भी बताया कि आप मैच करके भी देखो जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं। अच्छा ए हेलो एनहाइडल एसी एसीटोन, एसीटोन एसी क्या है एसीटोन, एसीटोन आपको पता है बेटा एग्जैक्टली ये होता है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री होता है एसीटोन। उसके पहले एल्डिहाइड आ चुका है, अब लगाओ काट दो बस, बेंजो बेंजल डिहाइड बेंजल डिहाइड, और इस बेंजल डिहाइड बेंजीन रिंग होना चाहिए बेटा और सीरल बॉन्ड ओ एच होना चाहिए बेंजल डिहाइड। अब आप उसे पूछ सकते हो कि इसमें इसमें, तो आप पूछना, आपको पूरा एकदम छूटा है आप पूछ सकते हो, मैं हर चीज का जवाब दे दूंगा आपको, ये लॉजिकल भी है बस याद भी करा हूं मैं कि कीटोन। अब आप बोलोगे एसीटोन तो आप ले चुके हो अभी तो कीटोन, हाँ तो एसीटोन में सी एस थ्री था, ये फिक्स होता है, इसमें क्या होगा आर सी ओ आर या फिर आर डैश, एंड आर या आर डैश शुड नॉट बी इक्वल्स टू सी एस थ्री की ईसा ईस्टर, यस गुड। अच्छा आप बताओ ईस्टर कहाँ पे आया था, ईस्टर वहां से देखो कहाँ पे पहुंचा था, लास्ट में आर है लास्ट में ईस्टर, ईस्टर क्या होता है आर सीरियल बॉन्ड ओ ओ आर या फिर आर डैश, और यहां फिर ए आ रहा है तो जो ए आ रहा है वो होता अमाइड, क्या होता है अमाइड, अमाइड क्या होगा आर सीरियल बॉन्ड ओ एन, और यहां पर कुछ एन एस टू या फिर कुछ ग्रुप हो सकते हैं, और आई है मतलब अल्काइल हैलाइड, आई है मतलब क्या अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जिसको हम आर एक्स बोलते हैं, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है अल्काइल हैलाइड, यानी कि ग्राउंड रिएजेंट सबसे खत्म अगर रिएक्शन करने वाला है किसी के साथ तो वो आर एक्स है, और सबसे ज्यादा करने वाला तो एसिड बेस है, और अगर न्यूक्लोफाइल में सबसे पहले करने वाला है तो वो एसिड हैलाइड है। अब पूरा सीक्वेंस सब आपके सामने है, यू कैन लर्न दिस वन, व्हाट इज सेंटेंस जल्दी बोलो, और अभी मेरे साथ याद करो बताओ, ए हेलो एनहाइडल, ए हेलो एनहाइडल ऐसे लगाओ बेंजो की ईसा आई है, तो ए हेलो बेटा मेरी तरफ देखो प्लीज, ए हेलो क्या एसिड हैलाइड एनहाइडल एनहाइड्राइड अल्डिहाइड, ए हेलो एनहाइडल एसी लगाओ एसीटोन लगाओ भूल जाओ बेंजो बेंजोइक बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बेंजो की के कीटोन ईसा ईस्टर, और लास्ट में ए था अमाइड, ईसा आई है ए एच एसिड सॉरी अल्काइल हैलाइड। एक बार प्रैक्टिस करो याद हो जाएगा, कर पाओगे याद। अच्छा क्या मैच करके देखा जाए कैसे मैच हो रहा है, जरा देखो अल्डिहाइड और एसीटोन में कौन पहले है ये बताओ मुझे, देखो उधर से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड पहले एसीटोन बाद में, 100% होना है एसीटोन, ईस्टर क्या इन दोनों के बाद में है, है, और ये क्या सबसे पहले है, यस बेसिकली आप न्यूक्लियोफाइल्स के लिए भी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि आर माइनस मींस न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए भी ऑर्डर यूज कर सकते हो, बिल्कुल एकदम, हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपका पूरा काम आ गया आगे का, चलो जल्दी नोट करो, Okay.
मैं फिर से बोलूंगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्लास छोड़ने की कोशिश मत करो। बोलिए बोलिए ठीक है। तो बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया, अब एक एक करके हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस हम लोग कुछ पहले जो जो मेन रिएक्शन से पहले हम किसकी बात करेंगे, रिएक्शंस विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये देखेंगे। रिएक्शन विथ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एसिड के डेरिवेटिव्स जनरली क्या क्या होते हैं पता है ना आपको? एसिड बेटा क्या होता है? CO OH होता है, इसको हटाना होता है तो इसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे कि पहले तो वही RCOCl बन जाएगा, एसिड हैलाइड है ना, इसको हटा के अगर हम यहाँ पर OR लगा दें तो क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। समझते जाओ बेटा, देखो अगर हम इस OH को हटा के यहाँ पर NH2 लगा दें तो क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। अगर हम इस OH को यहाँ पे हटा के OCOR लगा दें, OCOR लगा दें तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। और कुछ इस तरह से हम लोग बात करते हैं एसिड और उसके डे। तो कुछ नहीं करना होता इस OH ग्रुप की जगह पे, देखो हमने क्या क्या लगाया, देख लो जरा सा, ये सब लगाया कि नहीं लगाया? सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स। तो जो भी कंपाउंड्स हैं ये सब क्या है? एसिड डेरिवेटिव्स। तो हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड सुनो बेटा एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, और पहले इतना कंप्लीट करते हैं फिर आगे लिखेंगे है ना। पहले एक एक पार्ट लिखता जाऊंगा, उसको खत्म करता जाऊंगा। अब ये खत्म करना बहुत जल्दी से ठीक है। देखो रिएक्शन बहुत वही है कि प्लस को माइनस देना और माइनस को प्लस देना है, सिंपल सिंपल करते चले जाना है। तो ध्यान दो, पहला रिएक्शन में लेने जा रहा हूं, पहला पार्ट में लेने जा रहा हूं एल्डिहाइड एंड बेटा क्या कीटोन। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैकेनिज्म वही है, हमने ये लिया पूरे एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल्स में एक साथ लेता जा रहा हूं, सबको समझना है। मैंने यहां पर ले लिया बेटा CH3 MgBr, जनरल फॉर्म में लेके एग्जैक्ट वही ले लेते हैं ये फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हम लेंगे यहां पर H2O और H+। रिएक्शन हम इधर से स्टार्ट करेंगे। और हाँ एक चीज बताओ बेटा, आप रिएक्शन को देखते चले जाओ, उसके बाद आप सीधे सीधे प्रोडक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट सेकंड में बना सकते हो, बट एक बार आपको प्रोसेस देखना होगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे इसमें डालने जा रहे हैं CH3, ये हमें बनाना है MgBr पहला, क्योंकि पहले हमने वही लिख रखा है। तो बेटा बताइए प्लस है और ये क्या है? माइनस है। पेन रख दो नीचे सब लोग, क्योंकि अब इसमें साथ साथ नहीं करना है, आप बस देख लो उसके बाद तुरंत तेजी से नोट करना है, स्पीड में नजरिया होनी चाहिए, कहीं भी कुछ गड़बड़ लगे रोक के मुझे तुरंत पूछ कर लो। बेटा आपको बताओ ये दोनों टूटेगा, इन दोनों में से कौन टूटेगा? यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब बताओ बेटा इस प्लस के पास कौन जाएगा? तो कौन माइनस है? CH3। लास्ट क्लास में कौन कौन एब्सेंट था? बेटा मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जस्ट एडिशन है प्लस के माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ, और कुछ भी नहीं है। तो आप खुद देख लो कि यहाँ पे क्या है बेटा, बताओ प्लस, और यहाँ पर क्या है? ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस है तो ये वाला प्लस वाला पार्ट है यहाँ चला जाएगा, ले जाए सीधे। तो बताओ इस प्लस के पास बेटा क्या लेके आए? बताओ इसी के पास, तो यहाँ पे CH3 लगा दें, और इधर H पहले से लगा है, ऊपर है O माइनस, और क्या है बेटा बताओ? MgBr। इतना समझ में आया? और इसके बाद भी सेकेंड नंबर में वही जरूरत पड़ती है हमें किसकी? H2OH+ की। तो कुछ नहीं होगा, H2O को हम HOH लिखते हैं ना बेटा, प्लस और माइनस। तो अब ये क्या करेगा, इस प्लस वाले पार्ट को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। अब बताओ ये माइनस है, और माइनस के बाद फिर से ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सुनना क्या बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो HC, और बेटा बताओ ऊपर में क्या बन जाएगा? OH, और नीचे में क्या रहेगा? CH3, और यहाँ पर क्या आएगा? H, और प्लस साइड प्रोडक्ट भी बनाना आना चाहिए। तो बताओ MgBr और प्लस था तो इसके पास क्या आएगा? माइनस। तो क्या मैं इसको MgOHBr लिख दूं? हाँ, तो डॉक्टर कितनों को समझ में आया? मुझे लगता है कि सबसे आसान मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म के बेस पे हम बड़े लंबे लंबे काम करते आएंगे आज, ठीक है। देखो Thank you.
पेन नहीं चलेगा आज, अब आगे क्लास पेन नहीं चलेगा बस, लेकिन तेजी से नोट करोगे। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो क्या है, अब हमने लिया CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और उसके बाद अभी पता है हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, उसके बाद वहीं पर ट्रिक डेवलप कर लेंगे। बट मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता दे रहा हूँ, फीलिंग एक्चुअली में वहीं से आएगा, बिना उसके पहले ट्रिक को समझना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताया, लेकिन उसके पहले हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पहले बता दिया था कैसे निकालना है, तब ने कहा याद कर लो भाई क्योंकि हमें काम जल्दी करना है, तो भी करते हैं। फिर से हमने यहाँ पर कहा, हमने कहा कि हमारे पास है पीएच एमजीबीआर, क्या बेटा बताओ, पीएच एमजीबीआर फर्स्ट, और दूसरा हमने यहाँ पर लिया NH4Cl, NH4Cl, हर चीज पता होनी चाहिए हमको, NH4Cl का फंक्शन क्या है एक्चुअली में बताता हूँ। अब ये बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान दो, क्या हम इसमें पीएच एमजीबीआर को सबसे पहले डालें, बोलो बेटा ये प्लस और ये माइनस, इसको तोड़ दो ऐसे, ये माइनस और ये प्लस, बताओ क्या होने वाला है, बताते जाओ बेटा, एकदम एकदम लगे रहो मेरे साथ एकदम क्लियरली। इस प्लस के पास ये माइनस चला जाएगा और ये प्लस यहाँ चला जाएगा, क्लियर, बताओ क्या बना, हाँ बोलो बोलो बेटा, CH3 सी, और पहले नीचे वाला लिख लो पीएच, और इधर CH3 लगाई हुआ है और ऊपर में आया ओ माइनस एमजीबीआर, इतना क्लियर। नाउ देखते हैं कि NH4Cl क्या करेगा, हमने यहाँ वाटर नहीं लिया इस बार, क्या लिया, NH4Cl लिया। NH4Cl के बारे में थोड़ा हम इधर बात कर लेते हैं, बताइए जो NH4Cl है बेसिकली ये क्या है, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ध्यान देना, और ये जो NH4 प्लस होता है वो NH3 प्लस H प्लस होता है, देख लो कहानी अभी क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब कि NH4Cl के अंदर क्या क्या है, NH3 H प्लस है, Cl माइनस है, शायद आप मेरी बात समझ गए होगे, देखो क्या होने वाला है, NH3 है, H प्लस है, और बेटा क्या है इसके पास, Cl माइनस है, ये तीन चीज। तो जैसे ही आप इसमें NH4Cl डालोगे तो क्या मैं यहां ब्रैकेट में लिखूं, इसके पास H प्लस है और ये अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा अभी बाहर, और दूसरा क्या है बताओ इसके पास, Cl माइनस, बताओ बेटा क्या ये H प्लस इसको हटा देगा यहां से, क्या हटा देगा, हटाओ तो, हटाओ तो क्या बना यहां पर, CH3 C, और यहां पर PH, और बेटा यहां पर क्या हो गया OH, और ये CH3। अब बताना साइड प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं, NH3 निकल गया और जो Cl है इसके साथ लग जाएगा, तो MgClBr, तो हर चीज पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पता है बेटा इसमें एक फायदा क्या मिलता है, ये हम अभी जैसे पहले वाले रिएक्शन में हमने वाटर यूज किया, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, जिसे पूछा जाता है कि व्हाई वी आर यूजिंग NH4Cl इन प्लेस ऑफ वाटर H+, तो ठीक है अमोनिया तो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस ये सोचो बेटा कि जो अमोनिया बन रहा है वो गैसेस फॉर्म में है, सुनो जरा थोड़ा सा आप केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलियस प्रिंसिपल याद करो, मैं समझा देता हूँ आपको। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ली चैटलियस ये बोलते थे कि अगर कुछ कम हो गया है तो हम रिएक्शन को उधर ले जाएंगे कि वो चीज़ बढ़ जाए, या कुछ बढ़ गया है तो हम रिएक्शन को उधर ले जाएंगे जिससे कि वो घट जाए, मतलब वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, घट गया तो बढ़ा देते थे, बढ़ गया तो बस, यही ली चैटलियस होता है, सुनना जरा सा, जैसे अमोनिया गैस बनेगी ध्यान देना तो बेटा ये सिस्टम से बाहर निकल जाएगी ना, तो इसका अमाउंट कम हो जाएगा, तो अगर इसका अमाउंट कम हो गया तो ली चैटलियस के अमाउंट को क्या फिर से बढ़ाना चाहेंगे, तो ये बढ़ाने के लिए इसको बनाना पड़ेगा, और ये बनेगा कब, जब हम फिर से आ गए हैं तो फिर से अमोनिया बनेगा, फिर ये उड़ जाएगा, फिर इसको बनाने के लिए रिएक्शन को फिर से आगे आना पड़ेगा, फिर अमोनिया बनेगा, उड़ जाएगा, ऐसे करके रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यील्ड ऑफ दिस प्रोडक्ट इंक्रीजेज, और प्रोडक्ट ज्यादा आसानी से ज्यादा बन पाएगा। सो हम NH4Cl का ये पर्पज है कि हम लोग इसलिए यहाँ पर NH4, तो हम लोग तो आप जैसे एग्जाम्पल्स करोगे ना तो कहीं पर वाटर लिखा होगा, H+ लिखा होगा, कहीं पर NH4Cl लिखा होगा, विच वन इज बेटर मेथड टू NH4Cl। अच्छा अगर इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा बेटा क्या लिखोगे बताओ, कि विच वन इज बेटर NH4Cl और वाटर, क्या कोई NH4Cl एक्सप्लेनेशन बताओ, क्योंकि आपको ये खुद अपने आप अभी जब नोट करोगे ना तो आपको खुद लिखना है, आप क्या बोलोगे, इनकेस ऑफ NH4Cl, सुनो इनकेस ऑफ NH4Cl, NH4Cl इज हैविंग H+ NH3 एंड Cl1, सुन लो लिखना नहीं, यानी कि मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चले जाओ, आपको बेटा अपने लैंग्वेज में जो अपने भाषा में लिखते हो ना तो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होता है। अमर NH4Cl के पास ये भी है, ये भी, और ये भी, ऐसे लिख लेना, फिर बोलोगे कि ड्यूरिंग द रिएक्शन अमोनिया इन प्रोडक्ट साइड अमोनिया इज फॉर्म्ड एंड अमोनिया इज गैसेस, गैसेस फॉर्म, तो गैसेस गैस एस्केप्ड आउट, तो अमाउंट ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस, से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस
टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अमोनिया रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन. भाई ये कब बनेगा, जब रिएक्शन इधर आएगा. एंड ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेज एंड रेट ऑल्सो इंक्रीजेज. क्या लिख पाओगे अपने आप, अपने लैंग्वेज में लिखना. मैंने क्या बोल दिया छोड़ो, आप समझ गए हो ना बात को. ये तो आप ध्यान रखें, मैं NH4Cl एक ही जगह ले रहा हूँ. मैं जनरली मेरी आदत है H2O+ लेने की, पर मैंने बता दिया NH4Cl भी हो सकता है कहीं पर. तो इसलिए आपको दे रही कि यार ये क्या करें आप, ये H4Cl आ गया तो आपको पता है. नाउ अभी बेटा मैंने सपोज ऐसा एग्जांपल लिया, जरा देखना. हमने कहा ये है, बताना जरा सा, हमने कहा ये है और हमने कहा कि हमारे पास ये CH3MgBr है. ठीक है बेटा, CH3MgBr है. बताओ बेटा यहाँ पे CH3MgBr है. अब दो है तो कोई एक तोड़ लेते हैं, दो है तो कोई एक तोड़ लेते हैं. तो ये वाला तोड़ लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस. तो सुन लो मेरी बात कि बेटा इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इसमें ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. और बताओ सबसे पहला प्रेफरेंस जीआर किसको देता है, एसिड बेस रिएक्शन को, एसिड बेस रिएक्शन. तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है. तो यहाँ पर ये जो ये बेस का काम करेगा, इसका काम करेगा बेस का न्यूक्लियोफाइल करने, क्योंकि यहाँ पे H+ जो है प्लस होगा और यहाँ पे बेटा क्या आएगा माइनस होगा और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा. कुछ नहीं होगा, बताओ ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बना देगा, CH4 प्लस माइनस. और इस माइनस के पास क्या चला जाएगा, MgBr. तो क्या ये कंपाउंड ऐसा बनेगा, ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, MgBr ये प्लस और ये माइनस. चाहो तो नहीं भी लिखो, कुछ भी छोड़ो, ऐसे लिखो, ऐसे खुद ही रिप्लाइज हो गया. तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी सी डबल बॉन्ड दिख जाए. अच्छा भैया सी डबल बॉन्ड मतलब भाई, अच्छा सी डबल बॉन्ड तोड़ लो भैया, तोड़ लो एक प्लस और एक माइनस और आर माइनस को वहां पे अटैक करा दो, ऐसा नहीं. तो वो सब चीजें क्लियर है, बोलो नोट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी करते जाओ फटाफट तेजी से. और उसके बाद मैं दो तीन रिएक्शन भी करते जाओ साथ साथ में तेजी से. यहाँ पे ऐसे करते करते दो दो चार चार रिएक्शन भी निकलते जाओ. एक एक पार्ट जो रिएक्शन कराता है वो एक एक पार्ट में एक्सपर्ट होते चले जाओ, एक एक पार्ट में, कि दोबारा रिवाइज करो तो जरा सा भी दिक्कत ना आए कहीं पर भी. एक एक पार्ट में एकदम स्पेशलाइजेशन लगे लेके आओ. ट्रिक के थ्रू करें जल्दी से, सुनो कैसे डायरेक्ट कैसे करना है एकदम, मतलब सेकंड में. सोचो ये माइनस और ये बेटा प्लस और ये वाटर है, तो यहाँ पर H प्लस और क्या बताओ OH माइनस. हमें पता है कि ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे क्या लग जाएगा CH3. तो देखो CH3 CH2 C और इसको हम ऐसे लिख दें और यहाँ पर OH लिख दो. अब देखते हैं क्या होता है. तो जहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आएगा तो बेटा यहाँ पे क्या लगा दो CH3 लगा दो और फिर यहाँ पे MgBr आएगा, फिर वो हटेगा और हाइड्रोजन आएगा. तो ट्रिक क्या है, बेसिकली वही मैकेनिज्म है जो कि आप ओरल ऐसे सॉल्व करके कर दे रहे हो. इसका कोई ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट बना सकते हो, एकदम डायरेक्ट बना सकते हो. अभी आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे तरीके के पूछे जाएंगे कि कितना मोल ही कितना इक्विवेलेंट इसका यूज करना पड़ेगा इस कंपाउंड को बनाने के लिए. तो वो सब अब इसकी बात करें, अगर हम क्या हम सीधे बना सकते बेटा इसको, तो अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो यहाँ पर माइनस यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा और बेटा देखो ये माइनस है और ये क्या है प्लस है. बताओ इसको हम ऐसे लिख लें, ऐसे लिखा मैंने. अब ये ओ हो गया, जहां पर ओ है वहां पे OH हो जाएगा और जहां पे प्लस है वहां पे क्या लग जाएगा ये माइनस वाला पार्ट पीएच लग जाएगा.
दो सेकंड का काम भाई। ये वाला भी देख लो आप इधर, तो यहां पर अगर आप ऐसे देखो ऐसे, इसको हम तो O- को OH कर दें, और इस जगह पर इसका कौन सा नेगेटिव पार्ट है, C2H5 है, C2H5 लगा दें, हो गया खत्म। तो इसलिए मैकेनिज्म से बेटा आपको कभी घबराना नहीं है, मैकेनिज्म से आपको हमेशा फायदा भी मिल रहा है, हमेशा फायदा मिलना है आपको मैकेनिज्म से। इधर नाउ अब देखो क्या है कि बेटा मैंने एकदम फाइनल जनरल फॉर्मूला लिख दिया, जी एफ मीन जनरल फॉर्मूला, क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा सबसे पहले। उसका जो ट्रिक मैंने बताया ईसा वाली ट्रिक, और ईसा वाली ट्रिक में ही अल्काइल हैलाइड था, बट मैंने इसको अलग से लिख दिया यहां पे अल्काइल हैलाइड। तो लीस्ट क्या होगा, अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव टुवर्ड्स जीआर, और मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, एसिड बेस, और बीच में न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन। तो एकदम जनरल फॉर्म आपके सामने है कि हम भाई इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अच्छा बेटा हमने पहला काम कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स की। तो सेकंड पार्ट इज एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स एक एक करके एग्जांपल, एक जनरल फॉर्म बनाते हैं एसिड डेरिवेटिव। बेटा एसिड क्या होता है जरा बताना, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, यही तो हटा था, यही तो हटा था, और इसी जगह कोई ग्रुप आया था, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, इसको एल बना दें। अगर ये एल ओ एच है तो एसिड है, सुनना, अगर ये एल एन एच टू है तो ये अमाइड है, अगर ये ओ सी एच थ्री है तो ये ईस्टर है, अगर ये ओ सी ओ सी एच थ्री है तो ये एनहाइड्राइड है, और अगर ये सी एल है तो ये एसिड हैलाइड। भाई ओ एच को हटा के तो एक जनरल फॉर्म आ गया। अगर हम इसकी रिएक्शन को समझ जाएंगे तो क्या हम बाकी सारे एसिड डेरिवेटिव्स के रिएक्शन को समझ जाएंगे। तो यहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो होता है एसिड डेरिवेटिव्स के लिए उसको, उसका नाम होता है एस एन ए ई। बताता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, मतलब इसमें एडिशन भी है एलिमिनेशन भी है सब्स्टिट्यूशन भी है, एडिशन भी है एलिमिनेशन भी है और सब्स्टिट्यूशन भी है न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे रिएक्शन को जो हम बात करने जा रहे हैं दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एस एन ए ई रिएक्शन, और बहुत ज्यादा एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल और उसमें इथर्स और उन सब में आगे बहुत यूज होने वाली है सब एसिड्स और एमाइड्स वगैरह में। तो यहीं पे सीखते हैं, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं पहले ले रहा हूँ कि अब ये रिएक्शन जो आप सीखोगे तो फिर हमारे लिए आगे का काम और ईजी हो जाएगा। तो धीरे धीरे सब चीज़ें ईजी होते जाएंगी, बस इसीलिए आप हर दिन दो घंटे बस देते जाओ और बस करते चले जाओ, और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच के दिखाओ रिवाइज करके। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या हुआ बेटा, सी एच थ्री है सी डबल बॉन्ड ओ है और एल है, आपने इसका रिएक्शन कराया एक जनरल इसको आर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आर डैश एम जी बी आर ले लेते हैं, आर डैश छोड़ो आर वन एम जी बी आर लेते हैं। ठीक है बेटा बताओ मुझे ये प्लस है और ये क्या है बताओ माइनस। तो पहला स्टेप तो यही होगा, पहले हम इसके साथ रिएक्शन करा डालें, देखो जरा क्या होने वाला है। इसका भी एकदम डायरेक्ट ट्रिक है, एकदम सीधे सीधे दो सेकंड में प्रोडक्ट बनेगा, दो सेकंड में मैं बना के दिखा देता हूं आपको। पहले ही यहां पे आर होगा, यहां पे सी, यहां पर ओएच होगा, इधर आर वन आएगा और इधर भी आर वन आएगा, ये है प्रोडक्ट। कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में, बन गया ना तुरंत, लेकिन लेकिन अभी कैसे बना थोड़ा देख लो एक बार, तो आपको फाइनली एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखो अब होगा क्या, ये भी तो समझना है ना कि ऐसे कैसे क्या। तो जरा देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, हमें पता है कि अगर पहले स्टेप की बात हम करें तो बेटा आर वन एम जी बी आर है, इस पर माइनस इस पर प्लस है, हमें पता है कि सबसे पहले टूटेगा, तो जैसे ही टूटेगा यहां पर माइनस आएगा और यहां पर क्या आएगा प्लस आएगा। बता बेटा इसको यहां पर अटैक करा दें, करा दें, बताओ क्या बनाया इससे जल्दी बताओ, आर सी ओ माइनस और यहां पर क्या आ गया आर वन और इधर क्या है। अभी सुनो आप सोचोगे एम जी बी आर यहां पर ऐड होगा, तो रुको थोड़ा सा बेटा, प्लस आई वाला सीरीज थोड़ा अगर आपको याद हो तो बताना जरा, सबसे पहले नंबर किसका आ रहा था सी एच टू माइनस, फिर एन एच माइनस, उसके बाद ओ माइनस था, तो क्या ये तगड़ा
प्लस आई है, सुनना क्या करेगा ये। तो अगर ये तगड़ा प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, ऐसे धक्का देगा और इसको क्या करेगा, निकाल के बाहर कर देगा। इसके पहले कि MgBr यहां पे अटैक कर पाए, इससे पहले कि MgBr यहां पे अटैक कर पाए, ये तगड़ा प्लस आई है, खतरनाक वाला एकदम, तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा और इसको बोलेगा बाहर। तो जैसे ये बाहर जाएगा तो यहां माइनस और यहां पर प्लस होगा। किन में कराओ बेटा, किसको हटाओगे, किसको हटाओगे? लिविंग ग्रुप भी तो अच्छा होना चाहिए ना, कि वो छोड़ पाए, छोड़ ही नहीं पाएगा तो बेटा अब अपने फेविक्विक से चिपका दिया, फिर धक्का दो तो कहाँ से निकलेगा ना। तो ये लिविंग ग्रुप जो है ना, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, वो आसानी से निकल सकता है, जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं Cl, OH, NH2, वो निकल सकते हैं। अब ऐसे थोड़ी क्या हाइड्रोजन को निकाल दो, एसिडिक नहीं है फिर भी निकाल दो, तो सब में पॉसिबिलिटी थोड़ी होगा। ओके सुनो, क्या इस सुनो क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, जवाब दो, क्या न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैक किया है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है क्या, ये L निकल रहा है तो एलिमिनेशन हो रहा है, बोलो। तो इस L को निकाले यहां से, जैसे L निकला तो ये प्लस माइनस क्या बना देगा, एक बॉन्ड, तो बता पता है क्या बना, R C, और बताओ प्लस माइनस डबल बॉन्ड O, और R1 को ऐसे लिख लें, यहां से ये कीटोन बन गया, यहां से ये कीटोन बन गया। तो देखो एलिमिनेशन हुआ, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, समझ रहे हो, और L निकला है और यहां पे R लगा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी तो है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, SN। हालांकि इस पे ठीक है, बस इतना ही है। अब जैसे ये बना तो ये बताओ, ये क्या बेटा पहले वाली रिएक्शन नहीं हो गई, तो क्या हम इसको आप ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके आगे बगैर हम नहीं लिखेंगे, हम फर्दर बताओ क्या होगा फिर से, आप इसका मतलब हमें एक मोल से काम नहीं चलेगा, हम इसका एक मोल अब और लेना पड़ेगा, और फिर से हम R1 MgBr लेंगे। अब हम यहां पर जरूरत पड़ेगी हमको किसकी, H2O H+ की। अब बताओ क्या तरीका था, इसको तोड़ो माइनस यहां प्लस, बेटा डायरेक्ट बताओ क्या बनेगा, डायरेक्टली बोलो, बताओ ना, R C, इसमें प्लस आया तो माइनस लगा दो, ये प्लस और ये, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है भाई। तो यहां पर क्या लग जाएगा, R1, और ऊपर क्या हो जाएगा, OH, OMgBr आएगा, फिर यहां से H लग जाएगा, और बताओ बेटा इधर पहले से क्या लगा हुआ है, R1, देख लो, चेक कर लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट चेक कर लो, वही है कि नहीं है, बताओ, समझ रहे हो बात। तो अब अगर हम इसको डायरेक्ट बनाना होता तो देखो इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं, R है, C डबल बॉन्ड L है, और हमने कहा कि भाई इसका रिएक्शन में कराना है CH3MgBr पहला और दूसरा, बट ये है ना कि बेटा आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर माइंड में रखोगे तो ट्रिक जो लगाओगे वो गड़बड़ नहीं कर पाओगे। आप इतना पता है बेटा कि यहाँ पर ये हटेगा, तो यहाँ पे बताओ ये सुना, ये माइनस और ये क्या है, सुन लो जरा सा, बोलो ऐसे हटा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस में क्या लग गया तुरंत, CH3, एक CH3 आ गया, ओ माइनस को क्या बना दें, OH, एंड दिस इज लिविंग ग्रुप, ये माइनस हटेगा तो फिर से प्लस आएगा और फिर से यहाँ पे कार्बन लग, CH3 लग जाएगा। क्या बोल रहा हूँ सुनो जरा ध्यान से, दो मोल लग रहे हैं, दो इक्विवेलेंट लग रहे हैं, कैसे, अरे भाई ये टूटा ऐसे ना बेटा, तो ये माइनस ये प्लस आया, बोलो ना बोलो, तो यहाँ पे CH3 लग जाएगा, इसको OH बना दो, फिर ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलता है, तो ये निकलेगा ऐसे, तो ये माइनस, तो यहाँ फिर से प्लस आएगा और फिर से CH3 लग जाएगा, कितने CH3 लग जाएंगे, दो, तो क्या बनाएगा बताओ, R C OH, और यहां पर एक CH3 और यहां पर एक CH3, क्या नहीं कर पाओगे, क्या डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, राकेश बताओ बेटा, बताओ, नहीं नहीं सच बताओ बेटा, सच बोल रहे हो ना, बन जाएगा ना बेटा। अब यही चीजें जैसे कि मैं, ये तो मैंने जनरल फॉर्म बताया, अब देखो मेरा सुनो, अब हम इसी चीज को क्या डायरेक्ट करें, जरा देखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सारे ऐसे डेरिवेटिव्स पे, अब इसलिए मैं जो भी एग्जांपल अब लूंगा डायरेक्ट लूंगा जो सिखा रहा हूँ आपको। देखो पहला एग्जांपल हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और बेटा ये Cl, और हमने कहा कि यहाँ पर है pH MgBr। अब मैंने आपको जो सिखाया है, अब मुझे आप डायरेक्ट करके बताओ, फटाफट बताओ बताओ समझाओ क्या करें, ये हटा दें पूरा ऊपर, इसको ऐसे तोड़ लें तो माइनस है यहाँ पर प्लस, बता ना CH3 C और ऊपर OH हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर एक pH और इधर भी एक pH,
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी, अब देख लो खुद आपके सामने है। दूसरा मैंने कहा, अब जरा देखना, मैं सारे डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ। आपने कहा कि दूसरा का मोड हमारे पास ये है, बेटा कितने लोगों को 100% समझ में आ रहा है? बेटा दिक्कत है तो बता देना। ओके गुड, सीओ ये लिया। अब हमने कहा कि यहाँ पर है बेटा ओ सी एस थ्री, क्या बताओ? सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल एसिड डेरिवेटिव, दिस इज वैलिड फॉर ऑल एसिड डेरिवेटिव। अब मैंने यहाँ पर लिया C2H5 MgBr, पहला साथ में लग के करोगे सब फटाफट होगा, क्या बना सकते हैं तुरंत? फिर से बेटा ये लिविंग ग्रुप है एल, और फिर से ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। लगाओ जरा, बताओ कंपाउंड क्या बनेगा इसका? CH3C, और ये O- क्या बन जाएगा? OH। अब बेटा बताओ ये प्लस है, यहाँ पे क्या लगेगा? एक C2H5 लगेगा, और फिर जब ये निकलेगा तो माइनस क्या फॉर्म में निकलेगा? तो इधर फिर से प्लस आएगा, इस प्लस में फिर से ये माइनस लग जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा बताओ? अब क्वेश्चन यहाँ पे पता है क्या पूछा जा सकता है? सुनो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, सुनना, ये इसी को मैं पूछ रहा हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड O और OCH3 ऐसे लिखा होगा, बेटा ऐसे लिखा होगा, X इक्विवेलेंट CH3 MgBr फर्स्ट, और सेकंड लिखा होगा HOH H प्लस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उसके बाद 1 2 3 4, दिस विल बी द क्वेश्चन आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सो हाउ इवन इक्विवेलेंट ऑफ CH3 MgBr विल यूज, तो इससे जितने CH3 लगेंगे उतने ही, तो कितना? एक यहाँ लगेगा, फिर एक हट जाएगा, दो लग जाएंगे, तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट बताना जरा सा? CH3 है ना, सी यहाँ पर OH आ जाएगा, और बेटा यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3, तो ये जो दो है ये दो यहाँ से तो आए हैं ना, सो हाउ मेनी एक्स? टू। ऐसे अब ऐसे एक नहीं, ऐसे एक्स का वैल्यू 10-10 भी आता है, ऐसे हम देंगे कंपाउंड आपको, अभी ये तो स्टार्टिंग है ना अभी। हाँ इसी टाइप से कहानी समझ में आई यहाँ तक? एसी डेरिवेटिव्स का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ना तुरंत, मतलब विदाउट मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म भी देखते जाओ और साथ साथ ट्रिक भी समझते जाओ। नोट करो जल्दी से तेजी से। तो एक्चुअली में क्या है कि ये क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, पर इसके पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखो जैसा अभी तक जो हमने पहला केस लिया था बेटा, उसमें ये था कि R था, सिरल बॉन्ड O था और L था, और इसका रिएक्शन आप करा रहे थे किससे? सपोज कोई RMgX से करा रहे थे, और दूसरा क्या ले रहे थे बताओ बेटा? HOH और H+। प्रोडक्ट बना सकते हो तुरंत इसका, क्या बनेगा जरा बताना बेटा? आप देखो, सब लोग देखो ध्यान से, सब लोग अपने अपने मोबाइल अंदर रख लो, तो यहाँ पे R नहीं, ऐसे नहीं बेटा, R और जहाँ पे डबल O डबल बॉन्ड O है वो तो OH हो जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या लगेगा? एक यहाँ से देखो, ये माइनस और ये प्लस, एक यहाँ पे लगेगा पहले आके, और फिर जब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो फिर से एक R यही लगेगा, कि ये दो R यहाँ से आ जाएंगे, ये हम आप पहले कर रहे थे। बट नाउ द केस इज चेंज्ड, अब हमने क्या किया पता है? क्या किया कि हमने यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O और एक तरफ इधर भी L ले लिया, नाउ बोथ साइड इज लिविंग ग्रुप। नाउ दिस केस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे पता है क्या, मैं आपको पहले लिख दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपके कि X इक्विवेलेंट, सुन लो बेटा आप जरा सा ध्यान से, X इक्विवेलेंट CH3 MgBr और दूसरा है HOH H+। लेकिन पहले तो आप ये आपका कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझते हैं, इसका मैकेनिज्म हम पूरा कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको भी कर लेंगे। हालांकि आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसका आंसर भी, इसका भी आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक तो OH ही रहेगा ना, तो बाकी तीन वैलेंसी। हाँ लेकिन डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट, लेकिन फिर भी देखो कि इसका एक बार मैकेनिज्म लिखना होगा हमें जरूर, वो आप लिखवा लो खुद ही। देखो कैसे एल है, सी डबल बॉन्ड ओ है बेटा एल है, और यहाँ पे सबसे पहले किससे साथ क्रिएट कराएं बताओ? CH3 MgBr। ध्यान दो बेटा जरा सा एक बार जल्दी से देखते जाए, बीच बीच में पता है देखो कितने बढ़िया बढ़िया स्टेप्स आएंगे बीच में इसमें, क्या हम इसको ऐसे, तो ये माइनस है और ये क्या बेटा बताओ? प्लस है। तरीका देखो जरा ध्यान से, अब इसको ऐसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस है। धीरे धीरे आपको अब मैकेनिज्म का भी आता डालो, धीरे धीरे आगे नेम रिएक्शन आएंगे उन सबका, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, और उसका फिर वही एज यूजुअल उसका ट्रिक होगा फिर। तो अब बताओ कि बेटा यहाँ पर बताओ क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली क्या अटैक कर जाएगा? CH3।
तो क्या हुआ, देखो एल सी ओ माइनस और यहाँ पे क्या लग गया सी एस थ्री और यहाँ पर L, फिर से वही यस पहले अब इतना भी पावरफुल नहीं कि दोनों को भगा दे, एक एक करके भगाएगा। तो इसके पास तगड़ा प्लस आई धक्का मारेगा और ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, यहां माइनस यहां पर प्लस आई, तगड़ा प्लस आई है। तो बताओ क्या बनाया, थोड़ा लंबा जाएगा घबराना नहीं, क्योंकि आपको एक क्योंकि आपको दो सेकंड में बनाना है, इसका प्रोडक्ट आता है तो आपको केवल कॉपी में नोट कर लेना है इसको। तो जरा बताओ क्या बना, क्या प्लस माइनस फिर से एक बॉन्ड बना देगा, तो क्या ये एल और सी ओ और ये तो चला गया बेटा और ये प्लस माइनस बॉन्ड बनाया, सी एस थ्री को इधर लिख लो, क्या ये आ गया। फिर से हम इसके बाद फिर से हम इसके रिएक्शन किससे कराएं बताओ, सी एस थ्री एम जी बी आर से, बेटा ये प्लस और ये क्या है माइनस, क्या फिर से तोड़ेगा इसको ऐसे, बोलो बेटा। ये वाला तो आपको डायरेक्ट बनाना आता है, तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, अभी नहीं डायरेक्ट नहीं, यहां पे बताओ इस प्लस में कौन ये अटैक कर जाएगा, तो बताओ क्या बना, एल ध्यान देना बेटा जरा सा सी और इस सी पर फिर से क्या आएगा ओ माइनस और नीचे यहां पे क्या जुड़ जाएगा इस प्लस के साथ, ये सी एस थ्री, आ रही बात समझ में। और बेटा इधर क्या आ जाएगा सी एस थ्री, क्या हम फिर से बोले कि तगड़ा खतरनाक वाला कौन सा प्लस आई, फिर से इसको धक्का मारेगा ये बाहर गिरेगा, यहां पे माइनस और यहां पर प्लस, क्या ये प्लस माइनस फिर से बॉन्ड बना देगा, यस। तो बताओ क्या बनाया इसने, बताओ बेटा प्लस डबल बॉन्ड हो गया तो सी डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या है बेटा बताओ सी एस थ्री और इस नीचे वाले को इधर लिख लो ये सी एस थ्री। इसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो, जरूरत नहीं मैकेनिज्म का, इसके आगे एक स्टेप आप डायरेक्ट पता है। फिर से हम क्या लेंगे बताओ सी एस थ्री, बोलो बेटा एम जी बी आर और इस बार हम साथ साथ क्या ले लेंगे अब एच ओ एच एच प्लस, प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बन गया ये प्लस माइनस बॉन्ड बन गया। ठीक है बेटा अब बताओ जरा से क्या करें, डायरेक्ट बनाए तो ऐसे टूटता है यहाँ पर, यहाँ माइनस यहाँ क्या आता है प्लस आता है याद है ना, और ये माइनस और ये प्लस, बताओ ये माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा और ये OH बन जाएगा, पहले OMG BR बनेगा फिर OH बन, बताओ क्या बनाएगा ये CH3C, ऊपर वाला OH बन गया इधर CH3 और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस अटैक करके CH3, बताओ क्या इसके पास एक भी CH3 थे, क्या इसके पास एक भी CH3 थे, नहीं थे, और कितने CH3 थ्री तीन, कहाँ से आए बेटा यहाँ से आए, कहाँ से आए यहाँ से आए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाना था पता ही आपको, अरे भाई पता है सीधे इसको क्या बनाना था, देखो क्या था बेटा ये एल था सी ओ एल था और आपको किसका किसका रिएक्शन कराना था सी एस थ्री एम जी बी आर और आप चूने आप चूंकि आपने एक्स लिखा तो एक्सेस में था, किसमें था ये एक्सेस में था, एक्सेस में था ना कई बार यूज किया आपने और यहाँ पर क्या था बताओ एच टू और एच प्लस था, बताओ क्या करोगे इसको, तो आप सबसे पहले ओ एच बना लो, कितनी वैलेंसी फ्री है तीन, क्योंकि पता ये भी निकलेगा ये भी निकलेगा और ये भी पता कि ये ओ एच बनने वाला है, अब बाकी जो भी वैलेंसी में आएगा वो कहाँ से आएगा, तो क्या आएगा एक सी एस थ्री दो सी एस थ्री और तीन सी एस थ्री, ये है मैकेनिज्म, लंबा कहानी और बेटा ये है प्रोडक्ट, बट यू मस्ट नो हाउ दिस रिएक्शन अकर्स, नो डाउट। ओके अब बेटा सुनो, अब स्टार्ट करते हैं हम आगे, ये वाला पार्ट हटा दिया जाए, हटा दिया जाए ना पूरा मैकेनिज्म नोट कर लेना इसका। अब जरा अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे आपसे एक चीज, जैसे कि हमने आपको एक जनरल फॉर्म बेटा बताया था कि ये केस हो सकता है, क्या हो सकता है कि स्टेबल बॉन्ड ओ और इधर एल हो, जरूरी नहीं बेटा हो सकता है इधर एल वन हो और इधर L2, अलग अलग लिविंग ग्रुप भी तो हो सकते हैं, तरीका वही होगा सेम LL हो या फिर L1 L2 हो, बात तो वही है ना, दोनों हटेंगे। जैसे कि मुझे ये बताना किसमें से कौन सा केस है, इसमें एक ही L है, इसमें ये वाला लिविंग ग्रुप है क्योंकि हम डायरेक्ट बनाएंगे, इसमें बताओ ये कौन सा ग्रुप है बता सकते हो, ईस्टर ग्रुप है, यहां पे कार्बन है, देखो कार्बन इसको R मान के चलो R CO O फिर कार्बन, तो ध्यान दो बेटा गड़बड़ हो जाएगी नहीं कहानी, एक्चुअली इसको ईस्टर नहीं, ये साइक्लिक ईस्टर है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हम बाद में बताएंगे सब चीजों को। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन है तो R मान लें, तो R CO O और फिर कार्बन, तो R CO O R, तो अब बताओ अगर हम इस चीज को हम आपको हटाएं बेटा क्या वो वाला
इस चीज को देखो समझो, ऐसे केसेस बड़े अच्छे केसेस बनते हैं, यहाँ पे फंसने के चांसेस होते हैं, बट नहीं, हम लोगों ने जो मैकेनिज्म किया है उससे हम एकदम पार निकल जाएंगे बहुत अच्छे से। हमने आपको उस टाइम पे क्या समझाया था, मैं वो एग्जांपल एक बार लेना चाहूंगा तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। कैसे, जरा देखो ये जो एग्जांपल मैं दिया हूं ना आपको, ये वाले आपको लग रहा होगा क्या करें कैसे करें, बट वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। कैसे, जरा देखो अगर आप इस रिएक्शन को देख लो तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं इस तरह रिएक्शन हालांकि पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर से एक बार देखो, अगर हम आपको ये वाला एग्जांपल दे दें, एक ही एग्जांपल से हमने कहा कि भाई ये ओसीएस ओआर है, क्या बेटा ये बताओ इस तरह की नहीं है, पहले मुझे बताओ इस तरह, समझ रहा बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसी में सारा राज छुपा हुआ है इन सबका, और मैं ओपन कर रहा हूं देखो किस तरह से। क्या ये लिविंग प्रूफ है, बोलो, तो अगर ये लिविंग प्रूफ है तो बेटा ये निकलता है कि नहीं निकलता ये बताओ मुझे, निकलता है। और अब क्या करते हो बताओ, कि मान लो अगर हमने कहा कि भाई ये CH3 है और ये MG और ये क्या है BR है, तो ये प्लस होता है और ये माइनस, लिविंग को हटाते हो कि नहीं हटाते, मतलब कि ये वाला बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता ये बताओ, ये बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं होता है, तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो भी क्या होता है बताओ, ब्रेक होता है। सुन लो तो ये किसके बीच का बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो रहा है, जरा देखना, सीरियल बॉन्ड ओ, और किसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ओके, और क्या ये ऐसे टूटता है, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा ना, तो ये इस तरह से टूटता है, मैकेनिज्म याद करो ना बेटा, क्या कैसे जरा बताओ। अच्छा इसमें पहले आप इसको तोड़ लोगे है ना, तो हम यहाँ पे अब आपको लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे ना, हाँ डायरेक्ट बनाते हैं, COH हो जाएगा यहाँ पे, अब बेटा बताओ यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा और लिविंग ग्रुप भी हट जाएगा पूरा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली आपसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बेटा ये जो ग्रुप है ये वाला, ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, क्या सी और ओ के बीच का बॉन्ड टूट रहा है टूवर्ड्स ऑक्सीजन ईस्टर में, कहां पर बताओ, हो गया काम, देखो कैसे, मैं पहले ये सब तो डायरेक्ट बन जाएंगे आपको पता है ना, या बाद में ले लेंगे, पहले मैं इसको लेना चाह रहा हूं, देखो जरा सा, जब कभी भी साइक्लिक ईस्टर आ जाए, क्या आ जाए साइक्लिक ईस्टर, उसमें हमने लिया था CH3MgBr और दूसरा HOHH+। सुनना, रख दो पेन फिर से थोड़ी देर के लिए, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए फटाफट तुरंत हो, क्या ये ईस्टर ग्रुप है, बट दिस इज साइक्लिक ईस्टर, बट दिस इज साइक्लिक। एक चीज बताओ बेटा, अभी हम क्या सिखाए थे, सी और ओ के बीच का बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता है, सी और ओ के बीच का बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के बीच का बॉन्ड टूटता है कि नहीं, पहले तोड़ लो इसी को, अगर साइक्लिक ईस्टर आ जाता है तो हमेशा तोड़ो, जैसे ही तोड़ोगे आप सुनो क्या बनेगा, मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आपको बना के, अब इसके बाद फिर यू विल बी एबल टू मेक दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड डायरेक्टली। यहाँ पे क्या O माइनस आएगा अगर ऐसे टूटा, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, सुनना, ये प्लस और ये सॉरी अच्छे से समझ रहे हो ना सब लोग, ध्यान दो, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, बेटा बताओ ये प्लस के पास जाके अटैक कर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड O था ना बेटा, क्या मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ CO, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट गया ना, टूट गया तो बेटा यहाँ से समझो बेटा सब लोग, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ से अलग हो गया, देखो अलग हो गया ये बॉन्ड, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या लग गया CH3, और यहाँ पे क्या लगेगा OMGBR, OMGBR लगने के बाद फिर OH नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये OH बन जाएगा, तो क्या मैं इसको क्या बोल दूँ सीधे सीधे, हाँ हाँ बिल्कुल, रुको ना बेटा काम खत्म नहीं हुआ, इतना समझ में आया, नाउ फिर से CH3MgBr और HOH, आप चाहो तो अभी यहां पर रहने दो इसको, OMGBr है ना बेटा ये, अभी रुको OMGBr अभी लगा हुआ है, लगा रहने दो, चलो नाउ अगेन CH3 बोलो बेटा MgBr, देखो देखो ध्यान से मैकेनिज्म देख लोगे तो एक्स वाला जो इसका क्वेश्चन बनेगा तभी निकाल पाओगे, अदरवाइज 100% गलत करोगे आप यहाँ पे। फिर से बताओ ये CO बॉन्ड है, अरे सीधे कीटोन बन गया भाई ये, अब तो वही हो गया कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, बोलो और ये क्या बनाएगा जरा देखना,
क्या यहाँ पर ओ एम जी बी आर होगा? ये प्लस और ये मैं पूछूंगा और सही से बताना, नहीं तो मैं दोबारा इसको हटा के लिख के दिखाऊंगा आपको बिल्कुल सही तरीके से। तो अब ये क्या बेटा OH हो जाएगा, नहीं ओ एम जी बी आर ही लिखा जाए एक बार, और यहाँ पर क्या रहेगा बताओ? और चूंकि यहाँ प्लस आया तो एक सी एस थ्री और आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस, बेटा ये फिर से अटैक कर जाएगा यहाँ पे, और एम जी बी आर यहाँ पे अटैक कर जाएगा। इतना हाँ तो कितने लोग ये बात समझ में आई, क्लियर एकदम पक्का? अब इसके बाद आप कुछ मत करो, सीधे एच ओ एच एच प्लस डालो, क्या होगा बता? या ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हट जाएंगे और यहाँ पे माइनस जहां जहां पे वहां पे प्लस लग जाएगा, तो फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा जरा देखना आप, क्या ये OH हो जाएगा? क्या इस कार्बन पे ऊपर OH, इधर सी एस थ्री और इधर, दिस इज द प्रोडक्ट। अब आप देख रहे हो कितना लंबा जा रहे हैं, नहीं यहां भी दो सेकंड का काम है, यहां भी दो सेकंड का ही काम है, करके दिखाता हूं देखो जरा इसी कंपाउंड। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मैकेनिज्म कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया? नहीं आया बेटा बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा, पक्का आ गया, क्लियर है ना एकदम? चलो अब मैं इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहूं बेटा, देखना जरा सर, ओ लगाया मैंने यहां पर लिया सी एस थ्री एम जी बी आर और बेटा क्या एच ओ एच एच एम जी बी आर दो बार लगाए, दो बार आया तो एक्सेस में, किसमें ये भाई, एक से ज्यादा मतलब एक्सिस में, डायरेक्ट सोचो। अब आपको इस मैकेनिज्म से ये तो क्लियर है कि सीओ और ओ के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो बेटा इसको ऐसे तोड़ लो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और थोड़ा सा माइंड में जोर लगाओ, लगाया ज्यादा नहीं थोड़ा सा, जहां पे माइनस आया है देखो ये तो प्लस है बेटा और ये माइनस है, सही से अगर करते जाओगे दिक्कत नहीं आएगा बेटा। पहला और एच ओ एच एच प्लस है यहां पर, सुनना ठीक है बेटा, और ये एक्सेस में है, देखो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, कैसे टूटा ओ माइनस में, फाइनली एम जी बी आर तो आता ही आता है, फिर वो हट के क्या आता है तो ये तो हो जाएगा ओ एच, हो गया एक्चुअली भी सीधे ही हो गया OH। अब इस पर तुरंत क्या आया बताओ, प्लस आया, तो जैसे ही प्लस आएगा तुरंत एक क्या लग जाएगा सी एस थ्री लगा, एक सी एस थ्री, फिर सुनना डबल बॉन्ड हो है, फिर ये टूटे गया ऊपर माइनस यहां पर प्लस, फिर एक सी एस थ्री लग जाएगा, कितने सी एस थ्री यहां पे लग जाएंगे, दो सी एस थ्री, कितने लग गए, और जो ओ माइनस था वो OH बन गया, गॉट इट, आ रहा समझ में? ये है कि कंफ्यूजन, अच्छे से करो, डिफिकल्ट बेटा कुछ भी नहीं मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा बस सही से करने की जरूरत है, बोलो नोट डाउन, हाँ वन, हाँ तो छोड़ दो वहां से, तो आप क्या करोगे बस एक इसको तोड़ा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे सीओ सी हो जाएगा। हाँ आप ऐसे कोई पूछा था कि सर अभी तक पहले आप सीओ तोड़ रहे थे फिर आप लिविंग ग्रुप हटा रहे थे, बेटा ये साइक्लिक माइनर में है, किसमें है, साइक्लिक माइनर में, तो जब साइक्लिक माइनर में है तो रिंग जब कब साइक्लिक माइनर में होता है तो सी और ओ के बीच का ही बॉन्ड टूटता है जनरली, जिससे कि ये थोड़ा सा क्या होगा कि कुछ ना कुछ साइक्लिक माइनर में कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहता है, तो ये जो है यहाँ से टूटेगा पहले सी ओ वाला बॉन्ड टूटेगा, ध्यान रखो, लेकिन जब ओपन होगा तो सी ओ और उसका, लेकिन फाइनली आपको करना क्या होगा, आपको ये तो पता हो गया ना अभी, फॉस्जीन का फॉर्मूला बताओ क्या था, फॉस्जीन 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 सी एस सी ओ सी एस सी फॉस्जीन सी ओ सी एल टू फॉस्जीन सी ओ सी एल टू नहीं सर ये सर ये थ्री फॉस्फीन नहीं पी एस थ्री नहीं फॉस्जीन सर जो गैस सी एल फोर होता है ना आरसी सी ओ सी एल टू देखो कांच की बॉटल में क्यों रखते हैं ब्लैक वाली में What is the formula of phosphine? CCOCl2. CCOCl2 ही होता है। मेरी बात CCOCl2। रोहित एक्स। CCOCl2।